Hey engineers, welcome back to my channel. So engineers, जो हमारा chapter चल रहा था वो था अपना internal reconstruction of companies. Internal reconstruction of companies में हम कर रहे थे practical questions, जिसमें चल रहा था हमारा practical question number 1. Practical question number 1 की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी दो requirement थी, general entries and other one balance sheet. जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं की है तो मैं लिंक में नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके पहले इसके जनरल एंट्रीज कंप्लीट कर लीजिएगा. बहुत ही आसानी से मैंने समझाए हुए हैं और आपको भी आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद आप लोग इस वीडियो पर आएंगे, यानी कि बैलेंस शीट पर, ठीक है. तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए. जिस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज को आसान बनाया था, उसी तरीके से हम बैलेंस शीट को भी आसानी से करेंगे. उम्मीद है आप लोगों ने भी अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे. तो उस पर लिख दीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. क्या कर रहे हैं हम? बैलेंस शीट बना रहे हैं. किस कंपनी की? ग्रीन लिमिटेड. और जैसे कि हमने सीखा है लॉ में, क्या सीखा है बोलो, कंपनी के नेम के आगे क्या लग जाता है? एंड रिड्यूस. तो हम यहाँ पर भूलेंगे नहीं कि जब भी इंटरनल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपनी के नेम के आगे लिखेंगे एंड रिड्यूस. कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2011. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? क्वेश्चन से. क्वेश्चन में लिखा था ग्रीन लिमिटेड और डेट भी 31 मार्च, और एक्स को अज्यूम कर लिया 1, तो 31 मार्च 2011, ठीक है. अब सारी जो बातें होगी वो अपन यहाँ लिखेंगे. तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और जितने भी नोट बनाएंगे तो वो सारे नोट्स के जो है रेफरेंस के लिए नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे, और जितना भी सारा अमाउंट होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है. सिंपल सी बात. और जैसे कि वैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं सिंपल सी, उसी तरीके से ये होगी. वैसे हम कैसे बनाते हैं बोलो, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ होती है और यहाँ पर एसेट्स. यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, बस जो फॉर्मेट है वो कैसा हो गया, वर्टिकल. तो पहले हो जाएंगी लाइबिलिटीज़ और उसके बाद नीचे हो जाएंगे एसेट्स, ठीक है ना. तो पहले लाइबिलिटीज़ लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसका टोटल करेंगे, फिर एसेट्स लिखेंगे, फिर उसका टोटल, ठीक है. तो फटाफट लिखते हैं. अब लाइबिलिटीज़ में हम क्या लिखेंगे, देखो ग्रीन लिमिटेड मतलब कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है, सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी. तो पूरा लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना. अब सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, इक्विटी के बारे में. तो इसके लिए लिखो शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स. अब शेयर होल्डर्स के क्या क्या फंड होते हैं? पहला आपका शेयर कैपिटल, और दूसरा बोलो रिजर्व एंड सरप्लस. लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया. इक्विटी के बारे में हमने लिख दिया. अब कौन आएगा, लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज के लिए लिखो, लाइबिलिटीज़ में कौन कौन आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़. तो पहले अपन लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़. इसमें क्या आएंगे, इसके आपके जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे कि बोलो एग्जांपल डिबेंचर्स. तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह वगैरह, और यहाँ पर आएंगी आपकी थर्ड करंट लाइबिलिटीज. तो सिंपल सा फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी के बारे में लिख दिया शेयर होल्डर फंड, और लाइबिलिटीज के बारे में हमने लिख दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज. अब इन सारी लाइबिलिटीज का अपन यहाँ पर टोटल कर देंगे, सिंपल, ठीक है. तो सबसे पहले बोलो हमें क्या चाहिए, शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा. तो आओ फटाफट, नोट्स टू अकाउंट. इसमें भी सिंपल, सारी बातें यहाँ लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर. तो चलो सबसे पहले नोट किसका बना रहे हैं, नोट नंबर 1 किसका बना रहे हैं,
शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में देखते हैं किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बैलेंस शीट में जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में दे रखी है? इक्विटी के बारे में। अब देखते हैं इक्विटी में क्या क्या है। तो इक्विटी में आपको दे रखे हैं 50,000 × 50 25 लाख। ये मैं आपको कैलसी पर साथ साथ कर देती हूँ, 25 लाख प्लस 1 लाख इंटू, ये 50 तो वो थी फेस वैल्यू, लेकिन पेड अप कितना है? सिर्फ और सिर्फ 40। तो 140 × 40 तो कितने हो गए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स और रुपीज 40 ईच, तो ये हो गया आपका 40 लाख। तो पेड अप कैपिटल कितनी है आपकी? 25 + 40 = 65। यानी जो बैलेंस शीट में हमें दिख रही है इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितनी दिख रही है? 65 लाख। ठीक है, कितना दिख रहा है? 65 लाख, ध्यान रखना। अब आते हैं अपन जनरल एंट्रीज पर। ये हमारी बैलेंस शीट की कहानी खत्म। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पर। तो अब देखो ध्यान से, जनरल एंट्रीज में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ दिख रही है? क्रेडिट साइड में। कहाँ दिख रही है? क्रेडिट साइड में। तो देखो ऑलरेडी कितनी थी हमारे पास? 65 ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है, प्लस 10 लाख और क्रेडिट हो गई। तो अब बोलो कितनी हो गई? टोटल हो गई आपकी 75 लाख। कितनी हो गई बोलो? 75 लाख। 65 + 10, 65 बैलेंस शीट में दिख रही है और 10 यहाँ पर जो हमने उनका अनकॉल्ड कैपिटल जो कॉल की थी वहाँ से हमें पैसे मिल गए 10 लाख रुपये। तो टोटल हो गए 75 लाख रुपीस। अब आगे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है, यहाँ पर तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कैसी दिख रही है? डेबिट। अभी तक हमारे पास 75 क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल? क्रेडिट। और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? डेबिट। यानी कि 75 से क्रेडिट था और 75 से हो गया डेबिट, यानी कितना बचा बोलो? 0। तो अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 0। आगे देखें, थोड़ा सा आगे जाओ तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगी क्रेडिट। क्या मिलेगी? क्रेडिट। कितने से? 1,50,000 × 20। शेयर्स वही है, नंबर ऑफ शेयर्स वही है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने रिड्यूस कर दिया था पर शेयर की वैल्यू से, तो यहाँ पर 50 से आ गया था ये 20। तो आपको बस इतना समझना है कि देखो बैलेंस शीट में हमें दिख रही थी 65 + 10 हमारी क्या नाम है जनरल एंट्रीज में क्रेडिट हो गई, तो टोटल हो गई 75 क्रेडिट में, लेकिन 75 जो है हमारी डेबिट हो गई तो बची 0। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अब कितनी है? 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अब कितनी है क्रेडिट? सिर्फ और सिर्फ 30 लाख। अब इसके आगे देखते हैं क्या कोई और इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ है डेबिट क्रेडिट। तो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको कहीं भी जो है इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं मिलेगी। क्वेश्चन खत्म हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं मिली, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है? 30, क्योंकि 65 + 10 75 हो गई थी और 75 डेबिट हो गई थी, तो वो तो कैन 0 हो गई। अब कितनी बची है? सिर्फ और सिर्फ 30 लाख। तो शेयर कैपिटल में दो चीज़ें आती है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या बचा है यहाँ से देख के लिख लो, 150 × 20, यानी कि 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। तो 150 × 15 = 30, तो यह आ जाएगा आपका 30 लाख। तो शेयर कैपिटल में आपके दो आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस यहाँ पर क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है वही जो है आउटर कॉलम में लिख दिया। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आई है, कौन? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिखते हैं इसे बैलेंस शीट में, आ जाओ फटाफट। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल ये दिख रही है मुझे, नोट नंबर 1 में इसका रेफरेंस है कि 30 लाख आ गया, 30 लाख। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में और आपके जो जनरल एंट्रीज हैं दोनों में कहीं भी रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर डैश कर देंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पर कुछ हो, मेनली जो है कैपिटल रिजर्व होता है,
तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, एक नोट बनाकर वहाँ पर लिख दीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर में कैपिटल रिजर्व और अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमने डैश कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कैसे आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए अपन एक नोट बना लेते हैं, उसका नंबर डाल देते हैं नोट नंबर 2, 1 हो गया अब 2, तो उसको नोट नंबर बनाए, आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में। तो यहाँ पर हम पर बनाने जा रहे हैं नोट नंबर 2, किससे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि डिबेंचर वगैरह कुछ है या नहीं। तो पहले अपन चलते हैं बैलेंस शीट की ओर, तो ये आ गए अपन बैलेंस शीट पर। अब देखो ये यहाँ तक तो हमारा हो गया था इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रही, ये हमें दे रखे हैं डिबेंचर, ये तो करंट लाइबिलिटीज, तो इसको अलग कर दो। यानी कि जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं वो हमें ये दे रखी है, क्या क्या दे रखे हैं, एक तो 12% फर्स्ट डिबेंचर 5 लाख के और 12% सेकेंड डिबेंचर 10 लाख के। सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं 12% फर्स्ट डिबेंचर जो कि है 5 लाख, 12% फर्स्ट डिबेंचर जो कि है 5 लाख, ध्यान रखना 5 लाख। तो ढूंढे ऐसे, चलो अब कहाँ ढूंढते हैं अपन, जनरल एंट्रीज में, तो इससे रिलेटेड कुछ हुआ है क्या, क्या ढूंढना है दोबारा से बोलो, 12% डिबेंचर्स, 12% फर्स्ट डिबेंचर्स, तो यहाँ पे तो कुछ रिलेटेड है नहीं, ये तो सब इक्विटी से रिलेटेड है। ये रहा 12% फर्स्ट डिबेंचर, मिल गए हमें, ये क्या हुआ है 12% फर्स्ट डिबेंचर हुआ है डेबिट, डेबिट यानी कि जो है लाइबिलिटी कम हुई है। ये जो हमें 12% डिबेंचर दिख रहे हैं 5 लाख के, वो यहाँ पर 3 लाख से जो है वो कम हो गए। तो अब 12% फर्स्ट डिबेंचर 5 लाख के थे, 3 लाख से कम हो गए, तो बोलो कितने बचे, 2 लाख के। 12% फर्स्ट डिबेंचर कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। आगे देखते हैं, ये लो क्या बात आ गई, 12% फर्स्ट डिबेंचर अगेन डेबिट हो गई, यानी कि अगेन क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई 2 लाख से। तो 12% फर्स्ट डिबेंचर से 5 लाख, 3 लाख से पहले डेबिट हो गए और 2 लाख से अब डेबिट हो गए। तो अब बताओ कितने बचे, 5 में से 5 चले गए 3 बार और 2 बार, तो 5 में से 5 गए 0। तो ये जो मुझे 12% फर्स्ट डिबेंचर दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, ये अब जिंदा नहीं है। अब हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट स्टेज, 12% सेकेंड डिबेंचर जो कि है 10 लाख, 12% सेकेंड डिबेंचर। तो इसके लिए भी देखो सेम चीज़ है, 12% सेकेंड डिबेंचर जो है 7 लाख यहाँ से क्रेडिट डेबिट हो गए, सॉरी, तो 12% सेकेंड डिबेंचर जो है 10 लाख थे बैलेंस शीट में, जिसमें कि 7 लाख जो है वो यहाँ पर डेबिट हो गए, 7 लाख यहाँ पर डेबिट हो गए, तो कैंसिल हो गए। अब बताओ कितने बचे, 3 लाख। अब आगे देखो, 12% सेकेंड डिबेंचर कितने से डेबिट हो गए, 3 लाख, यानी कि अगेन क्रेडिट हो गए, कैंसिल हो गए 3 लाख से, तो बताओ कितने बचे, 0। तो 12% सेकेंड डिबेंचर 10 लाख थे, 7 लाख यहाँ डेबिट हो गए और 3 लाख यहाँ डेबिट हो गए, यानी कि 7 और 3 10, टोटल वो 10 लाख से जो है डेबिट हो गए। तो क्या ये अब जिंदा है, नहीं। तो जो 12% फर्स्ट डिबेंचर 12% सेकेंड डिबेंचर बैलेंस शीट में दिख रहे थे वो अब नहीं रहे, ओ गॉड, अब वो नहीं रहे। क्या उनके अलावा कोई और डिबेंचर दिख रहे हैं, जी बिल्कुल, यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, देखो 14% फर्स्ट डिबेंचर, ये क्या है, ये क्रेडिट है, यानी कि ये अब बैलेंस शीट में दिखेगा, कितने दिख रहे हैं, 7। 14% फर्स्ट डिबेंचर कितने दिख रहे हैं, 7। क्या और कुछ है डिबेंचर से रिलेटेड, हाँ दिख रहा है यहाँ पर, 14% फर्स्ट डिबेंचर कितने हैं, 3। तो 14% फर्स्ट डिबेंचर 7 लाख यहाँ पर है, 3 लाख यहाँ पर है, कितने हो गए, 10 लाख। 14% फर्स्ट डिबेंचर कितने हो गए, 10 लाख। इसके अलावा और कुछ देख लो, और कुछ डिबेंचर से रिलेटेड है जो हमने कंसीडर नहीं किया हो, नहीं, हमने पूरी चीज़ें कंसीडर कर ली है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। 14% फर्स्ट डिबेंचर 7 लाख यहाँ है और 3 लाख यहाँ है, तो आप फटाफट लिख लेते हैं इसे,
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में 14% फर्स्ट डिबेंचर्स कितने थे बोलो, एक बार 7 लाख प्लस 3 लाख, तो ये हो गए 7 और 3 10, ठीक है 10 लाख हो गए। अब इसको अपन लिख लेंगे बैलेंस शीट। तो ये रही अपनी बैलेंस शीट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2 कितने आ गए 10 लाख। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोबारा से सुन लो, जो डिवेंचर हमें कहाँ पर दिख रहे थे बैलेंस शीट में, ये रहे 12% फर्स्ट डिवेंचर, 12% सेकंड डिवेंचर। 12% फर्स्ट डिवेंचर पूरे 5 लाख से डेबिट हो गए, 12% सेकंड डिवेंचर पूरे 10 लाख से डेबिट हो गए। दोनों डेबिट हो गए मतलब दोनों के दोनों पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। और एक नए डिवेंचर आ गए कौन से, 14% फर्स्ट डिवेंचर जो कि 7 लाख प्लस 3 लाख इक्वल्स टू 10 लाख, सिंपल ठीक है ना। आगे बढ़े आ जाओ देखो फटाफट। तो हमने दो चीज़ें कर ली है, इक्विटी में हमने पूरा कर लिया, लाइबिलिटीज़ में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गई। अब आते हैं अपन करेंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो क्या दिख रहा है मुझे, ट्रेड पेबल कितने दिख रहे हैं 5 लाख के। तो इन्हें अगेन हमें कहाँ देखना पड़ेगा, आपकी जनरल एंट्रीज में। बैलेंस शीट में कितने दिख रहे हैं 5 लाख। अब आते हैं अपन जनरल एंट्रीज में। तो ट्रेड पेबल स्टार्टिंग से देखो कहीं दिख रहे हैं, ये रहे ट्रेड पेबल क्या है, डेबिट डेबिट डेबिट। ट्रेड पेबल होती है लाइबिलिटी जो कि हुई है डेबिट मतलब कैंसिल। बैलेंस शीट में दिख रहे थे 5 लाख, 2 लाख से जो है वो कितनी हो, क्या हो गई डेबिट, तो अब कितने बचे 3 लाख, कितने बचे 3 लाख। आगे देखें क्या देखना है हमें, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने से डेबिट हुआ है 1 लाख। तो ट्रेड पेबल टोटल था 5 लाख, एक बार 2 लाख से डेबिट हुआ बचा 3 लाख, और अब कितने से डेबिट हो गया 1 लाख, तो कितना बचा 2 लाख। इसके अलावा ट्रेड पेबल कुछ है डेबिट क्रेडिट, कुछ भी नहीं है। तो ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में दिख रहा है हमें 5 लाख 5 लाख, जिसमें 2 और 1 यानी कि टोटल 3 लाख से हो गया है डेबिट कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो आप फटाफट लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल कितना था 5 लाख, ठीक है 5 लाख में एक बार कितने से कम हुआ ये 2 लाख से, और एक बार कितने से कम हुआ है 1 लाख से, तो 5 में से 3 गए आपके बचे 2 लाख, ठीक है। ये बैलेंस शीट में चाहे तो आप एग्ज़ाम में लिखना मत, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, लेकिन अभी ज़रूर लिख लेना ताकि जब हम नेक्स्ट बार रिवीजन करा करें तब आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, आपको दोबारा दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो, बिल्कुल आवश्यकता ना हो, आपको समझ में आ जाए कि ये 2 लाख कहाँ से आ गया, 5 में से 1 बार 2 गए 1 बार 1 गए, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी कंप्लीट होती है, लाइबिलिटी नहीं क्या बोलते हैं अपन इसे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पूरी कंप्लीट होती है, इसका हम टोटल बाद में कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपन एसेट साइड। एसेट साइड बहुत सिंपल जल्दी जल्दी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने लाइबिलिटी पर लिखा था नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज, उसी तरीके से एसेट में लिखेंगे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट में कौन कौन आएगा बोलो, पहला आपका फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेकिन है तो कैसी, नॉन करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में 2 आएंगे आपके, एक टेंजिबल और बी आपका इनटेंजिबल, ठीक है ये बात हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स के बारे में। अब हम करते हैं सेकंड करंट एसेट्स, सिंपल सा फॉर्मेट है, जो भी करंट एसेट होगी वो अपन यहाँ लिख देंगे, हो गया ये सिंपल सा फॉर्मेट। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी कौन सी? टेंजिबल। तो सबसे पहले हम टेंजिबल एसेट के लिए नोट बनाते हैं। अब तक हमारे कितने नोट हो गए? दो। तो इसका नंबर आएगा 3। नोट नंबर 3 ठीक है। आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में। नोट नंबर 3 किससे रिलेटेड है आपका? टेंजिबल एसेट से ठीक है। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट कौन कौन दे रखी है। ये आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारी टेंजिबल एसेट गुडविल टेंजिबल है क्या? बताओ बताओ। नहीं, हटाओ इसे। बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर्स, ये तीनों आ गई आपकी टेंजिबल एसेट में। गुडविल आएगी आपकी इनटेंजिबल एसेट में। अभी हम किसका नोट बना रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स का। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? टेंजिबल। बिल्डिंग आपको दे रखी है 10 लाख की, प्लांट आपको दे रखा है 10 लाख का, कंप्यूटर आपको दे रखा है 25 लाख का। तो अगर आप जनरल एंटिटीज देखो तो बिल्डिंग के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि बिल्डिंग जैसी की 10 लाख थी वैसी अभी भी है। प्लांट के बारे में आपको कोई भी जनरल एंट्री नहीं है, तो प्लांट जैसी 10 लाख थी अभी भी वैसी है। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आपको याद होगा लास्ट में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास बैलेंस बचा था और हमने क्या नाम है कंप्यूटर्स को हमने कुछ राइट ऑफ किया था। कुछ मतलब कितना देखते हैं। तो कंप्यूटर्स को हमने राइट ऑफ किया था 15 लाख से। 15 लाख से क्रेडिट किया है, मतलब एसेट को क्रेडिट किया है, मतलब एसेट कम हुई है। एसेट बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है? 25। कम कितनी हो गई? 15 से। 25 में से 15 गए, बोलो कितना बचा? 10 लाख ठीक है। तो बिल्डिंग 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट पहले भी 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर्स पहले 25 का था लेकिन 15 से कम हो गया, तो अब कितना हो गया? 10 लाख। तो तीनों चीज़ें कितने की हो गई? 10 10 10। फटाफट लिख दें 10 10 10 10 10। लिखो फटाफट से। टेंजिबल एसेट्स में पहला बिल्डिंग्स, फिर आपका प्लांट और आपका कंप्यूटर्स ठीक है। बिल्डिंग पहले भी 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की है। प्लांट पहले भी 10 लाख का था, अभी भी 10 लाख का है। कंप्यूटर्स पहले 25 लाख का था, फिर कितने से कम हो गया? 15 लाख से कम हो गया। ये भी आ गया आपका 10 लाख पर। तीनों भाई भाई हो गए। 10 10 10, बोलो कितना हुआ? 10 नहीं, 10 10 10, 10 नहीं होता, 10 10 10, 30 होता है। तो ये आ गया आपका 30 लाख। तो टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर्स आ गए 30 लाख। 30 लाख हमें कहाँ लिखने हैं? टेंजिबल। आ जाओ बैलेंस शीट में नोट नंबर 3, यहाँ पर रेफरेंस के लिए दे दिया है। कितना आ गया? 30 लाख। अब आते हैं अपन इनटेंजिबल पर। इनटेंजिबल एसेट में हमें गुडविल दे रखी है कितनी? 20 लाख ठीक है। अब अपन देखते हैं जनरल एंट्रीज में। तो जनरल एंट्रीज में देखो तो गुडविल आपको दिखेगी 20 लाख से क्रेडिट, मतलब गुडविल 20 लाख की बैलेंस शीट में दिख रही है और 20 लाख से यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो क्या गुडविल बची? नहीं। तो ये जो गुडविल दिख रही है हमें 20 लाख की, ये अब नहीं रही। तो एक ही इंटेंजिबल एसेट थी जो कि गुडविल थी, वो भी अब नहीं है। तो क्या हम इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में कुछ लिखेंगे? नहीं, क्योंकि गुडविल थी जो कि 20 लाख की थी और 20 लाख की नहीं रही, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ठीक है। दिख रहा है आपको? या जूम कर दूँ? गुडविल 20 लाख माइनस 20 लाख डैश ठीक है। जूम आउट। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर नील दे रखी है, तो जब कुछ यहाँ ही नहीं है और बैलेंस जनरल एंट्रीज में भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, तो चलो नील कर दिया। करंट एसेट, करंट एसेट भी नील। ओहो, करंट एसेट भी नील। पी एंड एल अकाउंट 20 लाख का दे रखा है। पी एंड एल अकाउंट यानी कि जो लॉस है 20 लाख का दे रखा है, और लॉस को हमने 20 लाख से यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया था,
यानी कि अब पी एंड एल को भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन करंट एसेट में हमें कुछ लिखना है। करंट एसेट में बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन करंट एसेट के लिए जनरल एंट्रीज में कुछ दे रखा था। देखो हमें कहीं पैसा मिला था, कहाँ मिला था ये मुझे याद नहीं, देखती हूँ। ये सब तो हमने कंसीडर कर लिए सारी चीज़ें। ये रहा बैंक में पैसा आया है 2 लाख का, बैंक में पैसा आया है 2 लाख का। मैं इसे कैंसिल पर कर लूँ, भाई पैसे की बात है, 2 लाख का। देखो कहीं ये सारी चीज़ें तो हमने कंसीडर कर ली, बैंक 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 बैंक, तो बैंक में ये रहा हमारा पैसा कितना, 10 लाख का, ठीक है। उसके बाद देखो बैंक में बैलेंस ये रहा 2 लाख का, तो 10 + 2 याद का आ गया 12 लाख। तो बैंक में टोटल कितना पैसा है, 12 लाख। तो बैंक कहाँ पर आता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना, 10 लाख + 2 लाख, ये आपका आ गया 12 लाख। अगेन ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, लेकिन अभी ज़रूर लिखना, कॉपी अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। ये आपके हो गए पूरे लाइब्रेरीज़ और यहाँ पर एसेट। एक छोटी सी चीज़ रह गई है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना, उसके बाद जो है अपन टोटल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्किंग नोट ज़रूर बना के आना कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इससे आपके मार्क्स कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ज़रूर बना के आना। इससे आपको 1-1.5 मार्क्स कट भी सकता है मे बी, ठीक है। नहीं बना के आओगे मार्क्स तो कट भी सकता है, और नहीं बना के आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, फुल मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, इसलिए बना के ज़रूर आना। क्या होता है इसमें, जितना भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ, और जिनकी वजह से कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा वो यहाँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, फिर अपन देखेंगे किसकी वजह से हुआ है तो यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है यहाँ पर। सिंपल, क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, तो देखते हैं जनरल एंट्रीज में। कैपिटल रिडक्शन कहाँ हो, ये है कैपिटल रिडक्शन हो रहा है क्रेडिट, कितने से, 45। तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने से हो रहा है, 45 लाख से, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है वो लिखते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये रही, तो इसकी अपोजिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कैपिटल रिडक्शन ये रहा, कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट, कितने से, 7 लाख, कैपिटल रिडक्शन हो गया क्रेडिट 7 लाख से। किसकी वजह से, अगेन अपोजिट देखें, कैपिटल रिडक्शन हुआ है क्रेडिट तो अपोजिट है आपका डेबिट, किसकी वजह से, एक्स की वजह से, तो बाई एक्स। कैपिटल रिडक्शन कहाँ हो, कैपिटल रिडक्शन अगेन क्रेडिट, वाह कैपिटल रिडक्शन तो भाई बड़ा हीरो बन रहा है, अगेन क्रेडिट, कितने से, 3 लाख से, किसकी वजह से, कैपिटल रिडक्शन हुआ है क्रेडिट, अपोजिट साइड है डेबिट, किसकी वजह से, वाई की वजह से, तो बाई 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 बाई, अभी बाई नहीं हो रही है, आप यहीं रहिए मेरे साथ। कैपिटल रिडक्शन ओ हो इकट्ठा हो गया डेबिट, कितने से, 55 लाख से, कितने से, 55 लाख से, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, डेबिट 55 लाख से, किसकी वजह से, तो कैपिटल रिडक्शन हुआ है डेबिट तो अपोजिट साइड देखेंगे क्रेडिट, तो किस किस की वजह से हुआ है, कैपिटल रिडक्शन टोटल डेबिट हुआ है 55 से, लेकिन गुडविल की वजह से हुआ है 20, पीएनएल अकाउंट की वजह से हुआ है 20, कंप्यूटर्स की वजह से हुआ है 15। तो एक एक करके लिख लेते हैं अपन भी, पहले अपन लिख लेते हैं एक एक करके, गुडविल की वजह से कितना हुआ है,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट गुडविल की वजह से डेबिट हुआ है 20 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पीएनएल अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है 20 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कंप्यूटर्स की वजह से कितने से वो हुआ है 15 लाख। और ये जो कंप्यूटर्स है वो याद होगा हमने कैसे किया था, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उन्होंने बोला था जितना बचा है उससे कंप्यूटर को डाइवर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो 45 + 7 + 3 ये आ गया आपका 55 लाख, 55 लाख। ठीक है, अब 55 में से गुडविल क्रेडिट हो गई, गुडविल हो गई थी आपकी 20, पीएनएल हो गया था 20, ये आपका बचा था 15, और उन्होंने बोला था जो बचा है यानी कि 15 लाख जो बैलेंसिंग फिगर है उससे आप कंप्यूटर को राइट ऑफ कर दो, वो हमने कर दिया था। तो अब यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 55 लाख, क्योंकि ये चीज़ जो है हमने पहले ही जनरलिटीज़ में कर दी थी। वैसे जो तरीका होता है बनाने का वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है, कि पहले आप कैपिटल रिडक्शन की पूरा करो टोटल क्रेडिट का, उसमें से डेबिट करो, उसमें से जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो यहाँ। लेकिन हमने तो जनरल एंट्रीज में ऑलरेडी कर लिया था, इसलिए हमें पता था कि यहाँ पर 15 लाख आएगा बैलेंसिंग फिगर में। सिंपल है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कोई बनाने में दिक्कत तो नहीं है, क्रेडिट हुआ है या डेबिट और किसकी वजह से हुआ है, बस इतना करना है आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं फटाफट लाइबिलिटी और एसेट का टोटल। तो देखो 30 लाख + 10 लाख + 2 लाख ये हो गया आपका 42 लाख, 42। तो लाइबिलिटी का तो टोटल आ रहा है 42 लाख। अब देखते हैं एसेट का, तो एसेट का तो भाई मुझे यहीं से दिख रहा है 30 + 12 = 42, तो टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कैलकुलेटर को चेक करना है कि वो सही कैलकुलेट करता है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं 30 + 12 = 42। तो हमारी जो है एसेट और लाइबिलिटीज मैच कर गई है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई पूरी तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। एक बार मैं आपको फटाफट से इसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने बनाया था शेयर कैपिटल का क्या नोट नंबर। शेयर कैपिटल में आपकी दो चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में तो कुछ दे नहीं रखा था, तो उसके बारे में हमने कोई चीज़ नहीं लिखी। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में दिख रखा था आपको 650, है ना, 65 लाख दे रखा था, 10 लाख से और क्रेडिट हो गई थी, तो टोटल जो है क्रेडिट थी 75। लेकिन 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 75 से ये डेबिट हो गई, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल बची सिर्फ और सिर्फ 0। उसके बाद हमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है 150,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 20 ईच, ये आ गया आपका 30 लाख। तो 30 लाख हमने यहाँ लिख दिया और इसको फटाफट से कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में। उसके बाद हमने देखी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो डिबेंचर थे, फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर, दोनों के दोनों डिबेंचर पूरी पूरी तरीके से क्या हो गए थे बोलो, डेबिट। तो उनका कुछ नामो निशान नहीं बचा, तो वो तो हमने नहीं लिखे। लेकिन एक नए डिबेंचर जिनका था 14% इंटरेस्ट, तो 14% फर्स्ट डिबेंचर एक नई तरीके से पैदा हुए, एक बार 7 लाख और एक बार 3 लाख, तो 7 + 3 कितना आ गया 10 लाख। तो पुराने डिबेंचर्स तो पूरे के पूरे क्या हो गए, डेबिट हो गए, यानी कि पूरे के पूरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, उनके बारे में तो कुछ नहीं लिखा। लेकिन नए डिबेंचर 10 लाख के बारे में हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद थे आपकी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल टोटल थे 5 लाख, एक बार 2 लाख से डेबिट हो गए, 1 लाख 1 लाख से, तो 2 लाख 1 लाख यानी कि टोटल 3 लाख से जो है वो डेबिट हो गए यानी कि कैंसिल हो गए। 5 लाख थे, 3 लाख से डेबिट हो गए, बचे कितने 2, 5 में से 3 गए 2 लाख, तो इनका टोटल करो आप 42 आ जाएगा। उसके बाद थे हमारे नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं थी डैश। फिक्स्ड एसेट में आपके दो आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल, टेंजिबल में तीन चीज़ें थी, बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर्स। बिल्डिंग एसेट इज एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी, प्लांट में भी कोई नहीं थी, 10 लाख।
कंप्यूटर्स में थी क्या दिक्कत थी? कंप्यूटर्स दिख तो रहे थे 25 के, लेकिन 15 से जो है हमने कम कर दिए, इनकी डेबिट कर दी, सॉरी क्रेडिट कर दी। तो 25 डेबिट था हमारा जो बैलेंस शीट में दिख रहा था, 15 से जो है क्रेडिट हो गया, तो कितना बचा? 25 में से 15 गए 10, तो तीनों 10 10 10 कितने हो गए? 30 लैक्स। तो टेंजिबल एसेट में आ गया आपका 30 लैक्स। इनटेंजिबल एसेट में सिर्फ एक थी, वो थी आपकी गुडविल, जो कि थी 20 लाख, और 20 लाख से राइट ऑफ हो गई, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ था ही नहीं, करेंट एसेट में कुछ नहीं था बैलेंस शीट में, लेकिन 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 जो आपकी जनरल एंटीज थी उसमें बैंक बैलेंस दे रखा था कितना? 10 लाख प्लस 2 लाख, कितना? 12 लाख। तो उसको हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यहाँ पर 12 लाख लिख दिया, और 30 प्लस 12 करोगे तो आ जाएगा आपका 42 लाख। उम्मीद है आपको पूरी की पूरी जो है बैलेंस शीट समझ में आई हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई हो, लेकिन अगर दिक्कत आई है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछने में झिझकना नहीं, पूरा पूछ लेना। अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पर देख लो अभी, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। तो बस इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। कुछ रह गया तो देख लो और बताओ।